हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सी आर इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। बेटा, टुडे वी डिस्कस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, यानी जनसंख्या का वितरण। अब भारत है वो जनसंख्या के मामले में विश्व में सेकंड नंबर पर आता है, यानी दूसरे स्थान पर आता है। और करंट पॉपुलेशन की बात करें तो इस टाइम पर भारत की जैसे 136 करोड़, यानी 136 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन है। अब 136 करोड़ की जो आसपास पॉपुलेशन है, ये पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है बहुत ही असमान रूप से वितरित है। अब हम बात करें अगर राज्यवार डिस्ट्रीब्यूशन की, तो राज्यवार राज्य के राज्यों के अनुसार भी जनसंख्या वितरण में काफ़ी असमानताएँ हैं। अब नॉर्मल तौर पर यह अनुमान लगाया जाता है कि जो राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा होगा वहाँ पर जो जनसंख्या है वो ज़्यादा पाई जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जनसंख्या का वितरण है वो कुछ कारकों के ऊपर डिपेंड करता है और विशेष रूप से जो प्राकृतिक कारक है उसमें भूमिका रहती है भूमि की प्रकृति, क्योंकि भूमि की प्रकृति है वो कैसी है, इसी हिसाब से जनसंख्या का वितरण है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है। अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है उसका क्षेत्र, सबसे बड़े राज्य राजस्थान का क्षेत्रफल है, राजस्थान है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन राजस्थान जितना क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा राज्य है उतने परसेंट में वहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो निवास नहीं करती। इसके कंपेरेटिव अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश तो राजस्थान से क्षेत्रफल में काफ़ी छोटा राज्य है, लेकिन वहाँ पर भारत की 16% के आसपास जो पॉपुलेशन है वो निवास करती है। अब देखो, इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है कि देश की सबसे ज्यादा जनसंख्या यूपी में बसी हुई है, यानी देश की जो सबसे ज्यादा जनसंख्या है वो यूपी राज्य में बसी हुई है, वहां देश की 16% के आसपास पॉपुलेशन है वो निवास करती है। अब यूपी राज्य की जो पॉपुलेशन है वो जापान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये जो देश हैं इन देशों की जनसंख्या से भी वहां पर ज्यादा जनसंख्या है वो निवास करती है। अब यूपी के बाद स्थान आता है महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा आंध्र प्रदेश का स्थान आता है। इन पांच राज्यों में देश की 50% के आसपास जो पॉपुलेशन है वो निवास करती है, यानी इन पांच राज्यों में देश की आधी जनसंख्या है वो निवास करती है। भारत की एक चौथाई यानी 1/4 पॉपुलेशन जनसंख्या दो राज्यों यूपी और महाराष्ट्र में रहती है, यानी भारत की 1/4 जो पॉपुलेशन है वो देश के दो राज्यों यूपी और महाराष्ट्र में ही निवास है वो करती है। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के दो सबसे बड़े राज्य राजस्थान और एमपी हैं, एमपी मीन्स मध्य प्रदेश, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के दो सबसे बड़े राज्य राजस्थान और मध्य प्रदेश हैं, जिनका क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का, यानी राजस्थान का क्षेत्रफल है 10.6% और मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है 9.37% है, यानी भारत का 100% जो क्षेत्रफल है उसका राजस्थान का क्षेत्रफल आ गया आपका 10.6% और मध्य प्रदेश का आ गया आपका 9.3% जो क्षेत्र है ये परसेंटेज है, परंतु इन राज्यों में देश की केवल, यानी राजस्थान में तो 5.6 और मध्य प्रदेश में ओनली 6% जनसंख्या है वो निवास करती है। अब यूपी है, क्षेत्रफल में राजस्थान से काफी छोटा राज्य है वो, लेकिन वहां पर देश की देखो 16% पॉपुलेशन निवास करती है और राजस्थान में देश की केवल 5% पॉपुलेशन है वो निवास करती है, और जो राजस्थान है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है। उसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान आता है मध्य प्रदेश का। अब मध्य प्रदेश में देश की केवल 6% जो पॉपुलेशन है वो निवास करती है। इसके विपरीत यूपी है, उसका क्षेत्रफल है ओनली 7.26% क्षेत्र पर स्थित है, जबकि इस राज्य में देश की 16% पॉपुलेशन है वो निवास करती है। अब देखो, जो यूपी है वो 7.6% क्षेत्र के ऊपर निवास क्षेत्रफल है उसका, और उसमें देश की 16% के आसपास पॉपुलेशन निवास करती है, तो यूपी राज्य के ऊपर जनसंख्या का जो दबाव है वो बहुत ज्यादा है। देश की 2.86 यानी देश के 2.86 क्षेत्रफल वाले राज्य बिहार में 8.5
58% जनसंख्या निवास करती है, यानी देश के 2.86% के आसपास जो इसका क्षेत्रफल है देश का, सॉरी बिहार राज्य का 3% क्षेत्रफल है, इसमें ओन 8.58% जो पॉपुलेशन है वो निवास करती है। तो बिहार राज्य में भी जनसंख्या का जो दबाव है भूमि के ऊपर काफी ज्यादा है, क्योंकि वहां पर जनसंख्या है वो ज्यादा पाई जाती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि देश के 11 राज्य यानी 11 स्टेट्स और 6 केंद्र शासित प्रदेश यानी 7 यूनियन टेरिटरीज प्रदेशों में जनसंख्या उनके क्षेत्रफल यानी उनके एरिए की तुलना में अधिक है। परिणाम स्वरूप इन राज्यों में, अब इसका रिजल्ट यह हुआ कि परिणाम स्वरूप इन राज्यों में प्रति इकाई क्षेत्रफल पर जनसंख्या का दबाव राष्ट्रीय औसत से भी अधिक है। अब 11 तो प्रदेश और 6 यूनियन टेरिटरी जो प्रदेश है उनमें जनसंख्या है वो उनके क्षेत्रफल के हिसाब से की तुलना में अधिक है, और इसका परिणाम यह हुआ कि इन राज्यों में प्रति इकाई क्षेत्रफल पर यानी प्रत्येक यूनिट इकाई क्षेत्रफल पर जनसंख्या का दबाव है वो अधिक है, जो राष्ट्रीय औसत से जो नेशनल एवरेज है उससे भी ज्यादा है। अब हम बात करते हैं दूसरी ओर, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों की जनसंख्या का आकार, यानी इन राज्यों की जनसंख्या का आकार इनके विशाल भौगोलिक क्षेत्र यानी इनका जो एरिया है वो ज्यादा है, विशाल भौगोलिक क्षेत्र के बावजूद अत्यंत छोटा है, यानी इनका भौगोलिक क्षेत्र है वो बड़ा है और जो जनसंख्या है वो इन राज्यों में कम निवास है वो करती है। इसके लिए कुछ फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है, क्योंकि उत्तराखंड जो है वो एक हिमालयी क्षेत्र है, वहां पर क्लाइमेटिक कंडीशन है वो थोड़ी हार्ड है और पर्वतीय क्षेत्रों में है वो कम लोग रहना पसंद करते हैं। अरुणाचल प्रदेश ये भी ऐसा ही प्रदेश है, वहां पर जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो तो बहुत कम पाई जाती है, अरुणाचल प्रदेश में तो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पॉपुलेशन डेंसिटी है वो पाई जाती है। और जम्मू कश्मीर का रीजन ये है वहां पर जनसंख्या कम पाने का, क्योंकि वहां पर थोड़ा टेररिज्म है, आतंकवाद है, इसलिए लोग सुरक्षा की दृष्टि से वहां पर रहना है वो कम पसंद करते हैं। तो इन एक तो ये तीनों राज्य क्या है कि ये हिमालयी राज्य है, पर्वतीय राज्य है, पर्वतों में है, वहां पर क्लाइमेटिक कंडीशन हार्ड है। दूसरा जम्मू कश्मीर में क्या है कि वहां पर टेररिज्म है, आतंकवाद है, तो सुरक्षा की दृष्टि से भी वहां पर कम लोग है वो रहना पसंद करते हैं। और अरुणाचल प्रदेश है वो विकास की दौर में थोड़ा सा पिछड़ा हुआ राज्य है, तो वहां पर प्रति इकाई है 17 लोग है वो निवास करते हैं, जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो भी वहां पर बहुत ज्यादा कम है। अब हम बात करते हैं हिमालयी लघु राज्य यानी हिमालय में लघु राज्य सिक्किम की बात हो रही है कि जनसंख्या भारत के सभी राज्यों की जनसंख्या से कम है। अब हिमालय जो सिक्किम है वो हिमालय स्टेट है, हिमालय में स्थित है और वहां की जो पॉपुलेशन है वो भारत के सभी राज्यों की तुलना में वहां पर कम जनसंख्या है वो निवास करती है। अब हम अगर बात करते हैं दिल्ली की, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो दिल्ली की में पॉपुलेशन है वो काफी ज्यादा है, पॉपुलेशन डेंसिटी है वो हाई है, क्योंकि वो एक तो भारत की कैपिटल है, दूसरा वो एक प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन है, और तीसरा फैक्टर ये है कि वो मैदानी एरिया में है, समतल एरिया में है, वहां पर रोजगार की सुविधाएं है वो ज्यादा है, तो वहां पर ज्यादा लोग रहना पसंद करते हैं। अब दिल्ली के कंपैरिजन में जम्मू कश्मीर और इसके अलावा जो भारत के केंद्र शासित प्रदेश है, पहले 6 थे अब ये 9 हो गए, क्योंकि जम्मू कश्मीर को तोड़कर जम्मू और कश्मीर और लेह लद्दाख दो अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए, तो इनकी पॉपुलेशन, इन सभी राज्यों की पॉपुलेशन यानी सभी केंद्र शासित प्रदेशों की पॉपुलेशन दिल्ली को छोड़कर या चंडीगढ़ को छोड़कर और बाकी के जो राज्य हैं दिल्ली की पॉपुलेशन है उन सभी से वो ज्यादा है। तो जो पॉपुलेशन का जो वितरण है वो भारत में काफी असमान रूप से वितरित है। इसके लिए काफी जो है नेचुरल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, कुछ मैनमेड फैक्टर है वो रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए जनसंख्या के वितरण में काफी असमानताएं देखने को मिलती हैं।